Hey guys, welcome back. Welcome to Vedantu's Day channel. How are you all guys? I hope that all of you are doing well and all are geared up for the session as well. So guys, आज का सेशन है एक डिकोडेड सेशन, और इस डिकोडेड सेशन में हम लोग पूरे चैप्टर पे नहीं, उन टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं जिन पे हमें जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते समय फंडामेंटली प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट गाइस? तो पूरा जो सीरीज है डिकोडेड सीरीज, इट इज बेस्ड अपॉन ऑल सच क्रिटिकल टॉपिक्स वेयर वी ऑल फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस कंसेप्चुअली स्पेशली, राइट? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में. ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फंडामेंटली चैलेंज्ड फील करते हैं. तो आज का जो सेशन है, I'm going to try to make it so easy for you guys that you will be able to solve the questions of electrostatic potential in a snap of a finger. Okay, guys, so stay tuned and we are going to make it much more easier. Before I go any forward, let me tell you, इस session के description box में एक Google form है that is decoded for you. Click on that and tell us which all topics you would want us to do in the decoded series. ठीक है, तो chapter नहीं, जो भी टॉपिक चैप्टर के अंदर आपको परेशान करता है उस टॉपिक को वहां पे लिखो, एंड विल पिक द टॉपिक्स विच आर मोस्टली कमेंटेड बाय द स्टूडेंट्स, और उस गूगल फॉर्म के बेसिस पे हमें एकदम पिन पॉइंटेड टॉपिक्स पिक करने में आसानी होगी, एंड वी विल बी एबल टू हेल्प यू गाइज इवन बेटर. ओके, सो इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल गाइज, लेट मी स्टार्ट ऑफ विद माई इंट्रोडक्शन. दिस इज मी, योर सूरी सर. आई एम अ बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, और इस चैनल पे मेरी आर्मी मुझे मोगैम्बो बुलाती है. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू विल क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ जेई और नीट, मोगैम्बो खुश होगा. ओके गाइस, एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल देन गो अहेड, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट व्हेनेवर ऑल दीज सेशंस आर हैपनिंग यू आर द फर्स्ट वन टू गेट द नोटिफिकेशन. ओके, ऑल्सो पीपल यू नो दैट कि वेदांतु के यूट्यूब चैनल के अलावा वेदांतु का खुद का एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म भी है हमारा, और उस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और एग्जाम्स भी क्रैक करते हैं. तो इस सेशन को और भी ज़्यादा अगर आप डीप एंड पे पढ़ना चाहते हो, इससे रिलेटेड एग्जाम्स देना चाहते हो, टेस्ट देना चाहते हो, स्टडी मटेरियल भी आपको अगर चाहिए, तो ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन आर प्लेटफॉर्म. येस, लाइव टीचिंग हैपन्स देयर, डाउट सॉल्विंग हैपन्स देयर, एंड टेस्ट एंड असाइनमेंट्स आर शेयर्ड एज वेल. सो गाइज, वॉट इज दैट प्लेटफॉर्म? That platform, my dear students, is known as Wave. और ये एक usual, typical classroom है जहाँ पे you can see that a teacher is teaching, Pulkit sir himself is taking a class. यहाँ पे students अपने questions and doubts पूछते हैं, teacher के साथ interact कर सकते हैं, और this is where all the teaching is done live. Okay? And how to join it? The joining is based upon a subscription plan which we call as Vedantu Pro. So let me tell you what are the benefits if you join Vedantu as Vedantu Pro. तो सबसे पहले तो आप एक लॉन्ग टर्म बैच के साथ में जुड़ जाते हो, और आपकी जेई या नीट की जर्नी को वहां से आप रेगुलरली इन अ टाइम बाउंड मैनर अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑल द मास्टर टीचर्स दैट यू विल बी अंडर द यू नो गाइडेंस ऑफ दे विल बी टेकिंग यू थ्रू दिस जर्नी. ओके, नॉट जस्ट दैट, देर आर सो मेनी टीचर्स हु आर देयर राउंड द क्लॉक टू हेल्प यू आउट विद योर डाउट्स. A lot of tests and assignment as I promised. तो आपको कोई भी और स्टडी मटीरियल परचेज करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती. ओके, वन मोर थिंग जो यूट्यूब पे बड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड दैट इज टू कीप द सेशन हिंदी और इंग्लिश, बट एट वेदांतूज प्लेटफॉर्म वेव यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू चूज हिंदी और इंग्लिश एज योर कम्युनिकेशन लैंग्वेज एंड अकॉर्डिंगली द बैच. ओके, उसके अलावा गाइज, बहुत बार हमारे स्कूल में एग्जाम्स होते हैं या हम किसी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो हमें यूजुअली रिकॉर्डेड सेशंस देखने पड़ते हैं. But let me tell you, with Vedantu's micro courses, you don't have to watch any of the recordings anymore. Aap sare sessions, not just subject wise, chapter wise, aap koi bhi topic pick kar sakte ho aur micro courses ke under use live revise kar sakte ho, seekh sakte ho. And last but not the least, jab exam pass aata hai, to aapko alag se koi crash course ya test series lagane ki zarurat nahi hai. You become a part of that naturally with Vedantu Pro as a subscription plan, and that is why precisely I call it a one stop solution. Vedantu Pro is a one stop solution for all your requirements, all your needs for JEE as an examination.
तो अगर ज्वाइन करना है तो क्या करना होगा? ऑल यू हैव टू डू गाइज, इस वीडियो के लिंक में वेदांतु प्रो का डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है. मेक श्योर दैट वेन यू क्लिक ओवर देयर यू विल गो टू दिस पेज वेयर यू विल हैव टू पुट योर स्टैंडर्ड, वेदर यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और 13th. 13th मीन्स इफ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप, देन क्लिक ऑन गेट द सब्सक्रिप्शन. और उसके बाद में 1 month से लेकर 12 month तक का आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान पिक कर सकते हो. एंड बिफोर यू जम्प टू मेक द फीस पेमेंट, मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दिस कूपन कोड SMPRO. और अभी इस दौरान टिल 15th ऑफ अक्टूबर वी हैव अ दिवाली सेल गोइंग ऑन, एंड इन दैट दिवाली सेल यू कैन अवेल अ 50% डिस्काउंट अप टू 10,000 रुपीज ऑन द सब्सक्रिप्शन फीस एज वेल. Okay, so do not miss out on this opportunity. Go ahead, take this awesome chance and make your learning even more organized, fun and targeted. Okay, so guys, here we are. Let's start our session on electrostatic potential and we'll be decoding it today right here in this session itself. Okay, so bachcho, jab hum baat karte hain electrical potential ki, to sabse pehli cheez jo aapko janni chahiye, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक वेक्टर नहीं बल्कि एक स्केलर क्वांटिटी है. सबसे ज्यादा चैलेंज हम इसलिए फेस करते हैं क्योंकि इस टॉपिक से पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन करके यहां तक पहुंचते हो तो दिमाग में एक फॉर्मूला बैठ चुका होता है, दैट इज K(Q1Q2)R². तो हमें लगता है कि स्केलर ना होकर के ये क्वांटिटी भी वेक्टर होनी चाहिए बिकॉज फॉर्मूलाज आर वेरी सिमिलर इन दिस चैप्टर एंड इन ग्रेविटेशन ऑल्सो, राइट? तो सबसे पहली चीज जो ध्यान रखना होता है that is ki it is a scalar quantity, okay? And how definition goes by, electric potential says, bookish definition pehle bata deta hu, it says that ki agar aapke paas mein koi ek charge hai, say capital Q charge, aur is charge ka jo electric field hai usme agar main kisi aur charge ko move karwana chahta hu by force, yes, ideally this charge will try to apply a force that is a conservative force and will try to attract a negative charge, try to repel a positive charge. But agar hum us force ke against us charge ko move karwana chahte hain, matlab ye ki agar ek positive q charge rakh deta hu to is pe electrostatic force jo hai repulsive hai, agar ek negative charge rakh deta hu to is pe attractive electrostatic force lagne wala hai. Par agar as an external agent main chahta hu ki ye charge plus q charge jo hai इस कैपिटल क्यू चार्ज से दूर ना जाए बल्कि उसके पास आ जाए, तो मुझे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा वो अपोजिट डायरेक्शन होगा. सिमिलरली एक नेगेटिव चार्ज जो होगा, इट वुड आइडियली वांट टू गो क्लोज टू द पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स. तो हम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हम चाहेंगे कि ये डायरेक्शन ऑफ पॉसिबल मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाए. तो कैन आई से दैट इस पूरे प्रोसेस में मुझे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एज एन एक्सटर्नल एजेंट बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन स्टार्ट होती है बाय द वर्क विच आई विल हैव टू डू इन ऑर्डर टू मेक दीज चार्जेस मूव अगेंस्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके? बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में एक और स्पेसिफिक कंडीशन ऐड होती है और वो ये कि ये जो चार्ज हम मूव करवाना चाहते हैं ये दोनों ही चार्जेस जो हैं वो 1 कूलॉम के होने चाहिए. यस गाइस, मतलब हम डिफाइन करना चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को for a unit charge, okay? So the definition goes by the work which is done by the external agent in order to make a unit charge to move from infinite separation to a given point under the influence of the electrostatic field of another charge, say capital Q. I hope the definition got cleared here, right? I'm sure definition to humne yaad bhi kar rakhi hogi. So definition ke according hi bata raha hu, if you have a 1 coulomb charge and you want to make it move from infinite separation and you want to bring it closer to this charge, obviously you will be working against the electrostatic field, and that is why you will be requiring to put some efforts, and in those efforts you will be losing your energy, and that energy will get stored in the form of the potential energy, and that potential energy stored between this capital Q charge and this 1 coulomb charge is what will become the electric potential, right guys? Agar mathematically dekhen, right, definition to clear ho chuki hai. तो वर्क डन को डिफाइन करना है हमें एज एफ डॉट डी एल. अब अगर ध्यान से देखो तो ये एफ डॉट डी एल जो हम डिफाइन कर रहे हैं दोस्तों, दिस इज डिफाइंड फॉर योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यू नो दैट जब ये चार्ज
मूव कर रहा होगा तो स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स डीएल इट इज मूविंग से टुवर्ड्स दिस साइड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहता है कि ये पास में ना आए. तो ये जो एफ फोर्स लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दैट इज व्हाई द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज डीएल वेक्टर एंड एफ वेक्टर, यू कैन सी दैट दैट फोर्स इज बेसिकली एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद द डिस्प्लेसमेंट. दैट इज व्हाई अ नेगेटिव साइन इज बीइंग इंप्लीमेंटेड हियर. Right guys, I hope this makes sense to all of you so far. And where are we taking the charge from? We are taking it from infinity to a finite separation r. That is why the work done is f dot dl with a minus sign here. Agar yahan minus sign likha hua hai to tumhe yahan pe ye vector symbol hata dena chahiye. Lekin agar hum baat kar rahe hain ki what is the force that we are trying to work with, we are basically working with a force which is trying to bring the charges closer. तो ये जो F एक्सटर्नल हम लगा रहे हैं दोस्तों, ये बेसिकली माइनस F फोर्स के बराबर है. मींस इट इज बेसिकली अ अपोजिट वेक्टर फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो द वर्क विच इज डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज F डॉट dl, एंड द वर्क विच इज डन बाय योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गोइंग टू बी जस्ट द अपोजिट ऑफ द वर्क विच विल बी डन बाय योर एक्सटर्नल एजेंट. रिमेंबर इन दिस इंटायर प्रोसेस यू आर गोइंग टू मेक श्योर दैट योर चार्ज विच इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट इट इज मूव्ड वेरी स्लोली. दैट मीन्स वॉट एवर वर्क वी डू इट्स गोइंग टू गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ओनली, राइट? नो काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन हियर. एंड आई होप यू गाइस रिमेंबर वर्क डन बाय योर कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. And we can also say that work done by your conservative force is also equal to the negative of the work done by the external agent. So, agar work done by conservative force F dot dl hone wala hai, so work done by your external agent is going to become F dot dl only, but with a minus sign, and hence there is a minus sign here. So, don't get confused. F force ka magnitude external force or electrostatic force ke liye same hai, lekin minus sign aa raha hai because work done by the conservative force and work done by electrostatic force are just opposite in terms of their signs. Okay, so abhi hum log calculate karne ja rahe hain work done by the external agent, that is why you see a minus sign here. Okay, so agar main is force ko likhna chahun to force ko hum define kar sakte hain as q into e at that point. So let's replace that. Work done by external force, because the force which it is applying is equal to the electrostatic force, that is why it is minus sign, which is because of the opposite nature of work, and q is the force, dl is the displacement, right everyone? So as I said, hame baat karni hai potential ke bare mein. Ye jo work done tha, it is going to get stored in the form of the potential energy, but we are talking about the electric potential which is defined for a unit charge. To ek kaam karenge, hum in dono hi sides pe q se ek division le lenge, because of which the potential will come into existence, and we'll say that the electric potential, ideally I should say it is the potential difference that comes out to be work done by external agent per unit charge, which comes out to be minus of E dot dl. Okay, and when you simplify this from infinity to a given point r, at infinity you will assume that your initial potential is zero, and this is what you will be writing as your final potential, which is V, and that is why what you see here guys is only the value of potential, because it is written as a relative quantity. Always remember that when you calculate potential, you always calculate potential difference. Potential and potential energy are always going to be a relative quantity, and the reference point is always taken to be infinity, where you define the electric potential to be zero and electric potential energy also to be zero, because wo ek aisa point hai jahan pe tumhare dono charges jo hain wo koi bhi energy store nahi kar rahe hain, and that is why the electric potential that you are finding at point P, Vp, is nothing but your potential difference, which is Vp minus V infinity. V infinity if I put as zero, this is Vp minus zero, or simply Vp. That is what you are calculating. So what you are writing as Vp is nothing but potential difference with respect to infinite separation, and that, my dear friends, is the formula that you already know as kq by r. Okay, so we have defined the electric potential as work done per unit charge, and we got that for a point charge as kq by r. Okay, now why exactly we need the definition of potential? Hame 1 coulomb charge ya unit charge ke liye define karne ki bhi zarurat kya hai? To sabse easy logic hai wahi simple reason jis wajah se humne electric field ko define kiya tha. Agar tumhe yaad ho to electric
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हमने डिफाइन किया था फॉर टू पॉइंट चार्जेस, पर हमेशा चार्जेस पॉइंट चार्जेस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर हमने किसी एक एक्सटेंडेड बॉडी और एक पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना होता है तो हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है, राइट? तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट एवरी टाइम हम क्या करते हैं, हम Q1 का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, वी कॉल इट E1, एंड देन वी कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम एज Q2 इंटू E1 और सिंपली Q इंटू E। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिफाइन कर देने से आई जस्ट नीड टू नो कि किस चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाने वाली है, एंड वी जस्ट मल्टीप्लाई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू विद द चार्ज वैल्यू एंड वी सिंपली आर एबल टू कैलकुलेट द फोर्स। सेम लॉजिक गोज विद ग्रेविटेशन ऑल्सो, जब हम हमारा वेट कैलकुलेट करते हैं तो यू राइट द फोर्स एज mg, यू डोंट राइट इट एवरी टाइम एज g m1 m2 बाय r2, राइट गाइस? इसका रीजन क्योंकि हमें ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ पता है विच इज नॉट अ पॉइंट मास, तो वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई आर मास विद द ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स विच अर्थ इज अप्लाइंग ऑन आर बॉडी। सेम लॉजिक वेंट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द सेम लॉजिक गोज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। Okay, I've already told you that what we fundamentally calculate is the potential difference, and the logic to do that takes us to this point. I will come back to that point again, the previous one, when you have multiple charges. But remember, what you want to do is fundamentally calculate the potential energy when you have electric potential known because of a charge. मतलब क्या? अगर अब मेरे पास में एक चार्ज है कैपिटल क्यू और उसका पोटेंशियल एट पॉइंट पी मुझे पता है, तो जो भी चार्ज तुम यहाँ पे लेके आने वाले हो स्मॉल क्यू चार्ज, वो स्मॉल क्यू चार्ज और कैपिटल क्यू चार्ज क्या एनर्जी स्टोर करने वाले हैं, उसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एट पॉइंट पी पता होना चाहिए और उसे क्यू से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड बिटवीन द टू चार्जेस। दैट इज द फंडामेंटल आइडिया ऑफ डिफाइनिंग द पोटेंशियल। ओके, सो पोटेंशियल टेल्स यू द केपेबिलिटी ऑफ अ चार्ज टू स्टोर एनर्जी विद अ यूनिट चार्ज। तो अगर यूनिट चार्ज नहीं होगा तो उसके मल्टीपल्स में जितनी भी एनर्जी स्टोर होने वाली है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट? तो व्हाट इफ यू हैव मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट, इफ यू हैव मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट देन दे ऑल आर क्रिएटिंग देयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर इलेक्ट्रिक फोर्सेज आर बेसिकली डूइंग वर्क टू मेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड। तो अगर एक्सटर्नल एजेंट इस चार्ज को इनफाइनाइट सेपरेशन से इस पॉइंट पे लेके आएगा तो हर एक चार्ज Q1, Q2, Q3 के अगेंस्ट उसे या उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट उसे काम करना पड़ेगा, और जो भी वो वर्क करेगा इट इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड हेयर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद अ यूनिट चार्ज। एंड दैट इज व्हाई, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल आर स्केलर क्वांटिटीज, द पोटेंशियल वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट इज गोइंग टू बी नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज वन, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज टू, एंड वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज थ्री, एंड दैट टू फॉर अ यूनिट चार्ज, राइट? दैट इज वाई वी विल सिंपली बी डिवाइडिंग दैट चार्ज वैल्यू हेयर, अगर वो यूनिट चार्ज नहीं है तो। एंड दैट्स वाई इट गेट्स एडेड एज के Q1 बाई R1 प्लस के Q2 बाई R2 प्लस के Q3 बाई R3, विच इज द इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड बाय योर 1 कूलम्ब चार्ज विद Q1, Q2 एंड Q3। I hope the funda got cleared here. Okay, and now we understand that potential is nothing but potential energy that is stored between two charges. Out of those, one is say capital Q, the other one is going to be a 1 coulomb charge. Okay, great. So, agar ab hum baat karein potential energy of system of charges ki, to ye jo charges yahan pe rakhe hue hain, agar wo like या unlike nature के भी हैं तो they ideally are applying electrostatic force on each other and because of that they either want to be very close to each other or they want to be far away from each other. So at a given configuration they must be storing some energy among them, right? So let's try to understand कि यहाँ पे store होने वाली potential energy existence में कैसे आती है। तो समझने के लिए assume करते हैं कि पहला charge है Q1 जिसे हम infinite separation से एक particular point पे लाके रखने वाले हैं। When I'm going to move Q1 and there is no other nearby charge, I'm not being opposed as an external agent by any electric field. मैं वो external agent हूँ जिसे electric field के against काम करना है,
पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, बिकॉज Q1 इज द ओनली चार्ज प्रेजेंट इन द सिस्टम इन द बिगिनिंग. सो आई एम ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू Q1, सो माई वर्क डन इनिशियली इज गोइंग टू बिकम जीरो. मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा, राइट? बिकॉज वेन एवर वी वर्क अगेंस्ट अ फोर्स एज एन एक्सटर्नल एजेंट, एंड हेयर देर इज नो फोर्स विच इज ट्राइंग टू अपोज माई फोर्स. ओके, सो गाइज पहला चार्ज तो आके रख दिया. अब दूसरा चार्ज जब हम लेके आएंगे इनफाइनाइट सेपरेशन से, और मान लो उसे R12 गैप पे रखने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू Q1 चार्ज, तो अब Q1 क्योंकि वहां ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिक्स्ड है, तो ये नहीं चाहेगा कि Q2 जो कि एक और पॉजिटिव चार्ज है वो उसके पास में आए, राइट? अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो वो चाहेगा कि उसके पास में आ जाए और काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट ऐसा नहीं होने देना चाहेगा, एंड दैट इज वेयर एक्सटर्नल एजेंट विल बी डूइंग द वर्क. सो गाइज इन दिस प्रोसेस फंडामेंटली द वर्क विल बी डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, एंड दैट वर्क विल बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, एंड वी आर गोइंग टू स्टोर द एनर्जी एज Q2 इनटू V1. एंड व्हाट इज दैट एनर्जी गोइंग टू बी? दैट्स गोइंग टू बी Q2 इनटू के Q1 बाई R12, और यू कैन से इट इज के Q1 Q2 बाई R12. तो ये हुआ फर्स्ट अमाउंट ऑफ वर्क विच वी हैव डन व्हेन वी आर ब्रिंगिंग Q2, Q1 is already there, ठीक है? Story is not done yet. अभी हमें third charge को लेके आना है, और अब third charge जब move होगा, so this is R12, this is R23, this is R13. तो अब हम Q3 को infinite separation से finite separation between Q1 and Q2 लेके आना चाहते हैं, तो अब Q3 जो है, वो सिर्फ एक electric field के against move नहीं करेगा, बल्कि there will be two electric fields and accordingly two different forces will be against acting the electric external force that I am going to apply. So, ab jo main work karne wala hun, that is going to be, main already W2 calculate kar chuka hun, W3 plus W4 jo main karne wala hun, or let's just say it is W3 only, and that W3 is going to include the work which is to be done against the electric field of Q1 and Q2. So, that simply means it is going to be Q3 and potential due to charge 1. Okay, let's call it dash because V1 हमने यहाँ define कर दिया था. And similarly Q3 will also move against the potential of charge 2, उसे भी V2 dash define कर रहा हूँ सिर्फ. Okay, तो Q3 into K Q1 by R13, that is the gap. ये मैंने potential लिख दिया because of a point charge. Similarly Q3 and K Q2 by R23, right guys? तो K Q1 Q3 by R13 and K Q2 Q3 by R23. Okay, दोस्तों, तो अब देखो, work done, W1 is 0, W2 is K Q1 Q2 by R12, and W3 is K Q1 Q3 by R13 plus K Q2 Q3 by R23. That simply means, अब मुझे अगर total potential energy of the system find out करनी है, which is getting stored in the form of energy because of the work which is done by external agent, तो मुझे total work done because that is a scalar quantity directly add कर देना चाहिए, and that is what I'm going to get finally. And this what you write, my dear friends, is nothing but the work done by external agent in bringing all these charges from infinity and bring them and place them as per this given arrangement. Okay guys, so I hope बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर मुझे फाइनल टेक अवे बोलना है तो ये याद रखना कि जैसे तुम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो बिल्कुल वैसे ही पोटेंशियल लिखने वाले हो. मीन्स के वॉट पोटेंशियल हम लिखेंगे एज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर ओनली. दिस इज हाउ यू, इनफैक्ट दिस इज हाउ यू राइट डाउन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस. लेकिन अगर हम पोटेंशियल लिखने जाएंगे तो उसमें एक चार्ज का वैल्यू 1 कूलम्ब कर दोगे, एंड इफ यू लुक एट इट इन दिस वे यू आर फंडामेंटली finding potential energy per unit charge. Okay? So please look at potential as potential energy only. तो कभी भी scalar vector का confusion नहीं होगा, because potential energy हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से fit है कि एक scalar quantity है, तो potential also becomes a scalar quantity. और सिर्फ ये और याद रखना कि potential is defined between a charge and a unit charge, and you will be sorted always. Okay? To make it even more strong understanding, let's do some problems. Relatively ऐसे questions हैं जो इस concept को और ज्यादा strengthen करें, ऐसे questions को pick किया गया है. Okay? So guys, पहला question, simple question से start करेंगे.
The potential at a point due to a positive charge of 100 microcoulomb at a distance 9 meter is going to be what? Which simply means what? अगर इनफाइनाइट सेपरेशन से एक 1 कूलम चार्ज को मैं यहां लाके रख देता हूं एट अ डिस्टेंस r व्हिच इज 9 मीटर्स एंड योर कैपिटल q चार्ज इज 100 microcoulomb, तो पोटेंशियल एट पॉइंट p विल बी रिटन एज k कैपिटल q बाय r, वेयर k इज 9 इनटू 10 टू द पावर 9, कैपिटल q is going to be 100 into 10 to the power minus 6 divided by r, that is 9 meter. So 9 or 9 cancel kar dete ho, you have 10 to the power 9 into 10 to the power minus 4, that means bahut hi simply 10 to the power 5 volts is basically the potential at this point, which is also the potential energy that is stored between capital Q 100 microcoulomb charge and 1 coulomb charge when they are placed at 9 meter separation. Okay, and it's obviously a scalar quantity. Next one, two unlike charges of magnitude small q, or according to the diagram capital Q, are separated by a distance 2d. The potential at a point midway between them is going to be how much? So dekho bachcho, ek hi cheez ka hamesha dhyan rakhna hai ki agar hum potential likhte hain as k capital Q by r, तो अगर कैपिटल क्यू पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव लिखा जाएगा, क्योंकि क्यू विल बी एक्चुअली ट्राइंग टू रिपेल योर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड अगर कैपिटल क्यू नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा बिकॉज जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लगने वाला है. तो इफ आई राइट पोटेंशियल से ड्यू टू 1 एंड देन ड्यू टू 2, पोटेंशियल ड्यू टू 1 एट अ डिस्टेंस d इज k कैपिटल q बाय d, while potential due to 2 is k minus q by d at the same separation. So we can say that total potential, which is v1 plus v2 being a scalar quantity, will simply become 0, right? So correct answer, midway, the potential due to a positive and a negative charge of same magnitude is going to become 0. Okay, that's great. Next one, we have electrical charges 10, 5, minus 3 and 8 microcoulombs, which are placed at the corners of the square of side length root 2 meters. So we have to find out the potential at the center of the square. मतलब किसी 1 coulomb charge को infinite separation से यहाँ पे लेके आने के लिए इतना work करना पड़ेगा external agent को. तो वो solve करने के लिए हमें हर एक charge का center से distance चाहिए होगा. Right everyone? That point has already been defined as P. तो अगर ये पूरा गैप रूट टू है तो वी विल से दैट दिस इज रूट टू बाय टू और सिंपली वन बाय रूट टू. मतलब ये कि टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर वन बाय रूट टू, और अगर हाइपोटेनियस फाइंड आउट करोगे तो वन बाय रूट टू का स्क्वायर प्लस वन बाय रूट टू का स्क्वायर इन अंडर रूट, दैट मीन्स ये डिस्टेंस 1 मीटर आता है. ओके, तो हर एक चार्ज पी से 1 मीटर सेपरेशन पे है. तो अगर मुझे पोटेंशियल लिखना हो एट पॉइंट पी, आई विल से इट इज के क्यू 1 बाय 1 प्लस के क्यू 2 बाय 1 प्लस के क्यू 3 बाय 1 प्लस के क्यू 4 बाय 1, एंड आई विल बी टेकिंग के आउटसाइड एंड आई विल राइट इट एज 9 इंटू 10 टू द पावर 9. पहला चार्ज है 10 माइक्रोकुलॉम, दूसरा चार्ज है 5 माइक्रोकुलॉम, देन 3 माइनस 3 माइक्रोकुलॉम एंड 8. All are microcoulombs, so 10 to the power minus 6. That means I have 9 into 10 to the power 3, plus 9 and minus 6. And this becomes 15 plus 5, that is 20. So I get 180 into 10 to the power 3, or simply 1.8 into 10 to the power 5 volts. That's basically the answer, and that is option C. Right? Good. Next one. This says that the work done in bringing a 20 coulomb charge from a point A to point B for a distance 0.2 meter is 2 joules. So find out the potential difference between the two points. So hame agar A se B leke jana hai, so VB minus VA is going to be work done per unit charge. Aur yahi hame calculate karna hai ki work done hai 2 joules aur distance hai A aur B ke beech mein नहीं बल्कि चार्ज हमें यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड वाइज.
charge value is 20. That simply means it is 1 by 10. And the answer for the potential difference between A and B comes out to be 0.1 volts. Okay. That means answer comes out to be option C. Okay. Great. Now this one. अभी जो क्वेश्चन किया था बहुत हद तक वैसा ही दिखाई दे रहा है. इट सेज दैट फोर आइडेंटिकल चार्जेस 50 माइक्रो कूलम्ब ईच आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2 मीटर्स और हमें पता लगाना है हाउ मच एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू बी स्पेंट इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 50 माइक्रो कूलम्ब फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर हेयर अगेन. तो दोस्तों इस बार साइड लेंथ 2 है मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा मतलब ये रूट 2 हो जाता है. दैट मीन्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं पोटेंशियल एट पी और उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द एक्सटर्नल चार्ज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वर्क डन. तो वी पी फाइंड आउट करने के लिए इट इज गोइंग टू बी के क्यू 1 क्यू 2 क्यू 3 क्यू 4 सबको ऐड कर दो डिवाइडेड बाय द सेम डिस्टेंस दैट इज रूट 2. वी जस्ट नाउ सॉल्व्ड अ क्वेश्चन हियर राइट. तो के बाय आर इज कॉमन, के बाय रूट 2 कम्स आउट and I have Q1, Q2, Q3 put up here. That means this is going to be all the charge values. And all the charges are equal as well. That means it is going to be 9 into 10 to the power 9 by root 2 to 4 into 50 into 10 to the power minus 6. ये अभी हम potential calculate कर रहे हैं. Okay guys, तो इसे लिख सकते हैं when I cancel this part 4 by root 2 is like 2 root 2 because root 2 ko hum likh sakte hain root 2 by 2 so this is what I get. So what do I have? 2 into 50 becomes 100 so I have 9 root 2 into 100 into 10 to the power right everyone. That means this is 9 root 2 into 10 to the power 5 volts. So, मैंने potential at point P calculate कर लिया है. अब work done calculate करेंगे as Q into VP. Charge जो हम लेके आ रहे हैं, that is 50 micro coulomb. So, 50 into 9 root 2 into 10 to the power 5 into 10 to the power minus 6. So, ये 0 और 10 to the power 5 इसे cancel कर देगा. And my final answer will be 9 5s are 45 root 2. Root 2 is close to 1.414. Multiply karoge, so the answer will come out to be 63.6 something. So the answer is going to be close to 64 joules. Okay. Our answer is option A here. What did we do? We found the potential at that point, made our life easy first, and then multiplied that with the charge which we were moving from infinity to the given point. Okay. Okay. Now this one. What is the potential energy of the system of equal positive point charges of 2 micro coulomb each held at 2 micro coulomb each held at 1 meter apart in the air. So, ek tarika to hai ki main ise charge 1 aur ise charge 2 calculate kar lu find out karne ke liye ise 1 aur 2 assume kar lu aur ye point ho gaya A aur ye point ho gaya B. So, potential at B due to A find out agar kar le वैसे तो डायरेक्टली के क्यू वन क्यू टू बाई आर लगाना चाहिए एंड आई वॉन्ट टू गो बाय पोटेंशियल मेथड. सो दैट इज गोइंग टू बी के क्यू बाय आर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यू वैल्यू इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1. दिस कम्स आउट टू बी 18 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट्स और अब जो मुझे फाइंड आउट करना है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. सो दैट इज गोइंग टू बी क्यू इंटू वी बी. दूसरे चार्ज का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 and potential hai 18 into 10 to the power 3. So this looks like it's going to become 36 into 10 to the power minus 3 joules, the potential energy that is stored. You guys can directly try by K, Q1, Q2 by R as well. Okay. This Q1, this is Q2. Okay guys, so I hope you guys understood this method as well as the whole objective of decoding the electric potential must have served the purpose. अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट डिड यू फाइंड इट इजियर फॉर योरसेल्फ नाउ टू कोरिलेट विद पोटेंशियल. क्या पोटेंशियल की फील आ गई है? क्या अब पोटेंशियल पे बेस्ड क्वेश्चंस को एकदम सही डायरेक्शन में अप्रोच करने का कॉन्फिडेंस मिल रहा है? डू सॉल्व द क्वेश्चंस अलोंग विद मी. अगर ये क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व नहीं किए हैं तो एक बार फिर से सेशन पीडीएफ जो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करो.
मैच करके देखो, और अगर कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर सेशन अमेजिंग लगा तो डेफिनेटली वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। इसके अलावा अगर और टॉपिक्स के सेशंस और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल एंड यू मिस्ड आउट ऑन द एंटायर जीत लो सीरीज, तो दो तरीके हैं जिससे आप किसी भी टॉपिक को रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, जेई की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। एक तरीका है फॉर स्पेशली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द मेथड्स गाइज इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू हैव टू डू इज गो ऑन द चैनल प्लेलिस्ट, और चैनल प्लेलिस्ट में जीत लो 2022 या 2021 दोनों में से कोई भी सीरीज आप देख सकते हो। 2022 में आपको मिलेंगे 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स, 2021 में आपको मिलेंगे 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स टू रिवाइज, ओके। एंड इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर जेई 2021 स्पेशली, जो कि जनवरी मंथ में एक्सपेक्टेड है, तो अब हमारे पास में लेस देन 2 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है, बट आई वुड से दैट इज स्टिल मोर देन इनफ टू एक्चुअली नॉट जस्ट क्रैक दैट एग्जामिनेशन बट ऑल्सो यू नो गेट अ वेरी गुड रैंक, सो दैट यू बिकम नॉट जस्ट एलिजिबल फॉर जेई एडवांस बट यू इंश्योर दैट यू आर गेटिंग अ गुड एनआईटी ऑल्सो। उसके लिए आप हमारे साथ एक क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। येस गाइज, आई नो इस टाइम पे क्रैश कोर्स इज समथिंग दैट यू माइट बी लुकिंग फॉर, तो क्रैश कोर्स हैज ऑलरेडी बिगन। लेट मी टेल यू वॉट आर द की हाईलाइट्स फॉर दैट। सबसे पहले तो वेदांतूज जेई 2021 क्रैश कोर्स हैज द इंटायर सिलेबस कवरेज ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, आई एम नॉट किडिंग, यस पूरा पीसीएम इन 90 सेशंस आपको कवर कराया जाएगा। यू विल हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू द डाउट सॉल्विंग ऑन द डाउट ऐप ऑफ वेदांतु बिटवीन 9 AM टू 11 PM, यस, तो आपके कोई भी डाउट्स अनरिजॉल्व नहीं रह जाएंगे। उसके अलावा क्योंकि जेई एज एन एग्जाम हमें कॉन्फिडेंस तब मिलता है जब हम खुद जेई टाइप के पेपर सॉल्व कर पाते हैं, सो देर विल बी 10 फुल सिलेबस एंड 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट विच विल हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड। यू विल गेट अमेजिंग सेशंस ऑन टिप्स एंड ट्रिक्स टू सेव योर टाइम, सेव योर एनर्जी ड्यूरिंग जेई एग्जामिनेशन, एंड एज आई ऑलरेडी सेड इन द बिगिनिंग, वेदांतूज ओन प्लेटफॉर्म वेव इज अ टू वे लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे सिर्फ टीचर इज नॉट द ओनली पर्सन हु इज स्पीकिंग एंड टेलिंग यू थिंग्स, यू कैन आस्क योर डाउट्स, यू कैन आस्क योर क्वेरीज एंड गेट योर डाउट्स रिजॉल्व एज वेल, ओके। तो अगर क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, द बैच स्टार्टेड द लास्ट मंडे ओनली, यू कैन ज्वाइन, एंड फॉर दैट द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। नाउ द क्रैश कोर्स फीस विच इज एक्चुअली 10,000 रुपीज कुड बी योर्स फॉर 8,000, फॉर दैट यू हैव टू यूज दिस कूपन कोड SMCC, ओके। प्रो ज्वाइन करना है तो SM प्रो कोड है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो SMCC इज द कूपन कोड टू गिव यू 20% discount on the course fees, and by going there you can enroll with this 20% discount for just rupees 8,000, okay guys। So I hope electric potential का concept clear हो गया है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में decoded for you एक गूगल फॉर्म है जहां पे आप क्लिक करके हमें बता सकते हो by going there, by telling us which all topics, not chapter but topics also, that you find difficult and you would want me to decode that, okay। So jitne bhi zyada students ek particular topic ko pick karenge, main use aur jaldi pick karke I'll make it a decoded session for all of you guys, okay। Apart from that, to get the session PDF of this particular video, uske alawa jo baki ke sessions hote hain jahan hum assignment share karte hain, unke solutions aapko telegram group pe hum log share karte hain, to telegram group pe agar abhi tak nahi jude ho तो वो भी ज्वाइन कर लो। द लिंक इज अगेन अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड कम देयर टू गेट द असाइनमेंट सॉल्यूशंस, द पीडीएफ सेशंस नोट्स, ओके, एंड द डेली अपडेट्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग ऑन द चैनल। सो गाइस, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप यू गाइस लाइक एंड अंडरस्टूड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेथड। सो इफ यू डिड, देन डू प्रेस द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो, अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट दे ऑल्सो गेट द एडवांटेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, देन गो अहेड, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, सो दैट व्हेनेवर एनी सेशन आई डू यू गेट द नोटिफिकेशन फॉर दैट, ओके। सो विद अ प्रॉमिस दैट वी विल डू मोर सेशंस डिकोडेड, एंड अलोंग विद दैट अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स आर हैपनिंग, सो पीपल
being the Diwali week, suitable to say Happy Diwali in advance, and we'll be in touch. Have fun. Do enjoy your Diwali with your loved ones. Make sure you stay safe and try to make this Diwali as pollution-free as you can. On that note, I'll take your leave. Take care. Bye-bye, guys.